हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बिगर जो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिंदी का पेपर, जो आपका टोटल मार्क्स हैं वह है 40 नंबर। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि कौन सी है, सेकेंड है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, थर्ड क्वेश्चन में आपको शुद्ध बताना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको वर्ण के भेद बताने हैं, फिफ्थ में आधारभूत इकाई क्या है, और सिक्स में पतंग का संधि विच्छेद बताना है, वर्ण विच्छेद, और साथ में आपको इनको जोड़कर बताना है क्या बनेगा, एट्थ में सही वर्तनी शब्द चुनना है, नाइन्थ में भी सही वर्तनी शब्द चुनना है, टेंथ में आपको सेठ का स्त्रीलिंग बताना है, इलेवंथ में वचन के भेद बताने हैं। ऐसे ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इन्हें केयरफुली रीड कर लें, ये रट लें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। और जिनको भी इस वीडियो की PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाके फॉलो कर लें। जैसे ही 1000 व्यूज हो जाते हैं हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। ये देखिए भाग गए, इसमें भी जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को रट लें। ये गए भाग है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का मिलेगा, इन सब क्वेश्चनों को देख लें। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, चादर देखकर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको, 37 में भी आपको सही मुहावरा चुनकर बताना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन थोड़ी देर में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।